ओके सो गाइस, अभी हो गया सीन, मेरे को जाने का था CST और मैंने करजत की ट्रेन पकड़ ली। ओके सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 10:30 एंड अभी मैं जस्ट सो के उठा हूँ, अभी जा रहा हूँ सीधा माल डिलीवर करने। नाश्ता वाश्ता कुछ भी नहीं किया, खाली मुंह धो लिया है एंड अभी जा रहा हूँ माल डिलीवर करने। माल डिलीवर करके आऊँगा देन उसके बाद नाश्ता वाश्ता करूँगा, देन उसके बाद आज भी बहुत सारे काम है। जैसे आपको पता ही है कि दिवाली का काम वगैरह मेरा स्टार्ट हो गया है, तो उस वजह से थोड़ा सा लोड ज़्यादा हो गया है काम का। तो चलते हैं फटाफट से जाके माल वगैरह डिलीवर करके आते हैं। ओके तो गाइस अभी आया माल देके, अभी चलते हैं नाश्ता वगैरह करते हैं, देन उसके बाद निकलना है शॉप के लिए। सॉरी शॉप के लिए नहीं, एक जगह निकलना है, वहाँ से सामान लेना है, देन उसके बाद शॉप पे जाना है। और ये जब ऐसा काम का ऐसा बहुत सारा लोड होता है ना, तभी ये सब है ना, छोटे छोटे काम है ना, ये सब तभी होते हैं। ये सब वाईफाई का रिचार्ज खत्म, अभी डैडी को टाइम ही नहीं है रिचार्ज करने के। खैर कोई नहीं, चलते नाश्ता वगैरह करते हैं, उसके बाद निकलना है। ओके सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 11:03, अभी फटाफट से मैं अपना डेटा ट्रांसफर कर लेता हूँ, जो कल का ब्लॉग है वो ट्रांसफर कर लेता हूँ, नहीं तो आज के लिए स्टोरेज नहीं होगा। देन उसके बाद एडिटिंग वगैरह तो नहीं करूँगा क्योंकि टाइम ही नहीं होता ना, तो खाली डेटा ट्रांसफर करके मैं निकल जाऊँगा शॉप के लिए। एक्चुअली मुझे जाना है कहीं एक मार्केट, वहाँ से कुछ सामान लेना है, देन वहाँ से सीधा शॉप के लिए निकलूँगा। तो फटाफट से डेटा ट्रांसफर कर लूँ एंड कपड़े चेंज करके सीधा निकलता हूँ मैं शॉप के लिए। तो चलते हैं, चलो। ओके तो गाइस अभी निकला हूँ मैं, एक मार्केट में जाना है, एक सामान लेना है, मुलुंड में से ही लेना है सामान, देन उसके बाद यहाँ से सीधा निकलूँगा मैं शॉप के लिए कुरला। तो फटाफट से चलते हैं, मेरे को हल्का फुल्का याद है वो दुकान, मेरे को इतना अच्छे से याद नहीं है, तो हल्का फुल्का याद है, देखते हैं वो पहुँचते हैं वहाँ पे फटाफट एंड माल लेके सामान लेके निकलते हैं शॉप के लिए। A few moments later. ओके सो गाइस सामान वगैरह ले लिया, अभी सीधा निकल रहा हूँ शॉप के लिए एंड एक बार रास्ता देख लूँ तो फिर मेरे को याद हो जाता है, फिर तो टेंशन ज़रूरत ही नहीं पड़ता मैप वैप देखने का। एक ही बार रास्ता देख लिया तो सीधा दिमाग में छप जाता है अपने, हो गया। तो एक ही बार आया हूँ यहाँ पे खाली, बट रास्ता पूरा याद हो गया। खैर कोई नहीं, अभी निकल रहे शॉप के लिए, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, अभी तक का अपडेट यही है, आगे का देते रहेंगे। चलो ओके सो गाइस अभी हो गया सीन, मेरे को जाने का था CST और मैंने करजत की ट्रेन पकड़ ली। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास और उल्टा ही निकल गया मैं। एक तो ये लेट होता है ना, ऊपर से ये होता है ना सब सीन, इतना बुरा लगता है ना, मैं क्या बोलूँ। एक्चुअली लगा था यहाँ पे इंडिकेटर मारा था, CST का ही ट्रेन मारा था, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे थाना से बनी की CST, और ये लग गया साला करजत। अभी मेरे को एक स्टेशन आगे जाना पड़ेगा, फिर एक स्टेशन वहाँ उतर के फिर रिटर्न आना पड़ेगा, और सारा टिकट भी नहीं, ये वहाँ पकड़ा दो और बवाल होगा, आधा घंटा एक घंटा और वेस्ट। एक तो लेट होता है, ऊपर से ये सब मगज मारी, दिमाग ख़राब हो गया मेरा। गाड़ी चालू होने के बाद पता चला, मैं बोला जानी इस साइड से, जा रही है इस साइड, ऐसा क्यों, फिर पता चला भैया आप गलत डब्बे में हो। ओके सो गाइस अभी उतर गया हूँ कल्याण, अभी मेरे को वो प्लेटफॉर्म से पकड़नी है CST फिर से, यहाँ से तो जाएंगे, वहाँ से पकड़ते CST उस साइड से। यहाँ पहाड़ के व्यू बहुत ख़तरनाक है, देखो। खैर कोई नहीं, पहाड़ देखने का टाइम नहीं है, काम का टाइम है। ओके तो गाइस कल्याण से गाड़ी मिल गई है, अभी पहुँच रहा हूँ थाने एंड अभी आधा घंटा एक घंटा लेट ही पहुँच रहा हूँ मैं शॉप पे, तो देखते हैं कम पहुँचते। पहुंच गए गाइस शॉप पे, अभी आपसे सीधा मिलते हैं रात को जब कहीं बाहर जाओ पता। Later. Okay, तो गाइस मैं मलून आ चुका हूँ कुरला से एंड अभी मैं निकला हूँ एक पार्टी के पास, उसको सैंपल दिखाने का था, तो सैंपल लेके जा रहा हूँ मैं फैंसी का, उसको दिखाने का है। उसने बहुत टाइम से बोल रखा है कि सैंपल लाके दिखाओ, सैंपल लाके दिखाओ, तो डैडी ने बोला कि एक काम कर तू सैंपल ही ले जा। हालाँकि शॉप पर काम था थोड़ा, बट डैडी बोले कि सैंपल दिखाना भी ज़रूरी है, तो एक काम कर तू ही लेके चले जा। और मुझे घाटकोपर में थोड़ा सा मार्केट भी करना था, तो घाटकोपर से मार्केट वगैरह करके तो मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं निकला था शॉप से मेरे ख्याल से 7 बजे और अभी बज रहा है 9, अभी कुछ टाइम पहले ही मैं पहुँचाऊँगा, मतलब मुलुंड में ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, कुछ टाइम पहले ही पहुँचाऊँ, क्योंकि आपको पता ना कि पीक टाइमिंग पे क्या होता है, तो वो चीज़। खैर कोई बात नहीं, चलते हैं, सैंपल वगैरह दिखा के आते हैं, और भूख लग रही है, चाय पीने का मन तो था बट मैं बोला कि पहले सैंपल ही दिखा के आता हूँ, नहीं तो दुकान बंद हो जाएगी, तो
फालतू का सीन हो जाएगा। तो बराबर से जाते गाइस, सैंपल वगैरह दिखा गया था, उसके बाद मिलते हैं आपसे घर पे सीधा। सो गाइस अभी जस्ट आया हूँ घर पे, अभी खाने जा रहा हूँ। खाना पत्ता गोभी की भाजी और रोटी, तो खाना खाते हैं देन उसके बाद लगेंगे एडिटिंग वेडिटिंग पे एंड काम करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि अगर आज जल्दी घर पे आ गया तो उसका थोड़ा सा फ़ायदा उठाएं। एडिटिंग वेडिटिंग कुछ करूँगा मैं, काम करूँगा कुछ थोड़ा सा, पहले खाना खा लूँ उसके बाद मिलता हूँ आपसे। ओके सो गाइस, एक वीडियो अभी जस्ट एडिट हो गई है एंड इसको लगाया है अपलोडिंग पे, तो ये रही वीडियो एडिट हो गई है अपलोडिंग पे लगाया है। एंड गाइस पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेरा लैपटॉप ना नीचे से, मतलब मेरा मैकबुक पूरा नीचे से हीट कर गया है, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ क्या हुआ, मतलब कम बैटरी में चला रहा हूँ शायद उसके वजह से या गॉड नोस क्या पता, बट इतना हीट आज तक ये नहीं हुआ मेरे को, लेके 8 से 10 महीना हो जाएगा, इतना हीट कभी नहीं हुआ, नीचे से बहुत हीट हो गया मेरा मैकबुक पर। मेरा पहला वीडियो हो गया है ये अपना एक्सपोर्ट, अभी चलते दूसरे वाले की तरफ, दूसरे वाला एडिट करते हैं एंड नींद आएगी तो सीधा सो जाएंगे। अभी बज रहे फिलहाल तो 12, जब तक होगा तब तक करेंगे एंड जब नींद आने लगेगी सो जाएंगे, कल सुबह उठेंगे। ओके सो गाइस, मैकबुक तो मैंने चार्जिंग पे लगा दिया क्योंकि मैकबुक लिटरली बहुत ज़्यादा हीट हो गया था, उसमें चार्जिंग भी कम था, तो वीडियो एडिट 18% में पूरा वीडियो एडिट हो सकता है, हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी जाता हूँ गाइस, मैं थोड़ा सा लेट जाऊँ क्योंकि मुझे थोड़े टाइम बाद फिर से उठना पड़ेगा, क्योंकि डैडी अभी तक शॉप पे ही है ना, तो डैडी जब वापस आएंगे तो उनके लिए कैब बुक करना पड़ेगा, क्योंकि डैडी को आते आते होगा मेरे ख्याल से 2:30-3 बजेगा डैडी को आते आते, डैडी ने बोला कि मेरे लिए कैब कर देना, तो मैं कैब करके यहाँ पे आऊँगा, क्योंकि ट्रेन व्रेन तो बंद हो जाती है 1 बजे की नहीं, 12:30 बजे की लास्ट ट्रेन, उसके बाद तो बंद ही हो जाती है ट्रेन। तो अभी थोड़ा टाइम इसके लिए मैंने चार्जिंग पे रख दिया मैकबुक को, क्योंकि ओवरनाइट मैं अपना कोई भी डिवाइस चार्जिंग पे नहीं रखता हूँ, भले वो मेरा आईफोन हो, मेरा आईपैड हो, मेरा मैकबुक हो, मेरी आई पेंसिल हो, मेरा मैक से वो कुछ भी, मैं कुछ भी ओवरनाइट चार्जिंग पे रखता ही नहीं हूँ मैं, मॉर्निंग में लगा देता हूँ, मॉर्निंग में कोई चीज़ है। थोड़ा टाइम सोते हैं एंड थोड़े टाइम बाद मिलते हैं आपसे, मिनी गुड नाइट आज के लिए, मिनी गुड नाइट बाय। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। ओके सो गाइस, वेलकम बैक, मतलब वही व्लॉग तो एंड ही नहीं किया था मैंने रात को। तो गाइस अभी बज रहे हैं 3:30 बज रहे रहेंगे एंड डैडी बस अभी माल लेके आ रहे हैं, तो मैं उठ गया था 2 बजे, उठ गया था मैं कैब बुक करने के लिए, तो डैडी वहाँ से कुरला से निकल गए थे, मतलब आ ही गए हैं, मुरुन एंटर कर लिया उन्होंने। मैं थोड़ा सा कुछ अगड़म तिगड़म बोल रहा रहूँगा, आई एम रियली वेरी सॉरी, तो उसको मीन नहीं करना क्योंकि मैं नींद में हुआ था। देखो सन्नाटा देखो, अगर मैं चुप रहूँगा ना, साइलेंट रहूँगा तो कितना शांत रहेगा, देख रहे हो सन्नाटा, देख रहे हो बहुत साइलेंट हो जाता है भाई, वो तो खाली ट्रेन की आवाज़ होती है चीं 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 करके, उसके वजह से आता है आवाज़, नहीं तो हमारा बिल्डिंग बहुत शांत रहता है कुछ लोगों को छोड़ के, बाकी शांत तो रहता है हमारा बिल्डिंग, अगर कुछ लोग को डिलीट कर दो तो। खैर कोई नहीं, अभी वेट करते डैडी आएंगे, नीचे आना पड़ता है गेट खोलने के लिए, ब्लॉक सीधा सो जाएंगे उसके बाद, क्योंकि आगे देखो मेरी आ गई लॉगिंग के चक्कर में। हाँ भैया, लॉगिंग के चक्कर में गाड़ी हॉर्न दे रहा हूँ उसे भाई, सिस्टम तो ये आ गई डैडी की कैब, तो बस अभी माल लेके ऊपर जाना है एंड ये गेट तो बाद में बंद होगा, जब कैब निकलेगी बाहर तभी बंद होगा, ये तो ऑब्वियस ही बात है भाई, नॉनसेंस बात कर रहा हूँ मैं, आई नो। खैर कोई नहीं, चलो ले लेते हैं माल, क्या है सिस्टम। ओके सो गाइस, अभी टाइम हो रहा है 2:45 एंड वाइंड अप करते करते, ख़त्म करते करते, खाना वाना खाते खाते, बेसिकली मतलब सोते सोते 3:15 बज जाएगा एंड आज के ब्लॉग में ये ही, एंड आगे के 3-4 ब्लॉग ऐसे ही जाएंगे, जब तक दिवाली हमारा पूरा ख़त्म नहीं होता तब तक ऐसे ही जाएंगे ब्लॉग, कुछ मतलब कुछ भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग देखने नहीं मिलेगा, बस ये देखने मिलेगा कि मतलब एक बिज़नेस को, अगर बिज़नेस रन कर रहा है तो उसकी लाइफ दिवाली के टाइम पे या किसी ओकेजन में कैसी चलती है, वो वैसे ही चलता है, हमारा स्केड्यूल एकदम टाइट टू टाइट चलता है, एकदम टाइट चलता है, अभी तो हालांकि हुआ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइट चलता है, टाइट भी नहीं बहुत ज़्यादा टाइट चलता है स्केड्यूल, तो वही चीज़ें खाने पीने का सोने का टाइम ये सब मिलता ही नहीं हमको, अभी तो हालांकि घर आ रहे हैं सो रहे हैं ऐसा हो रहा है, बट जब दिवाली जैसे नज़दीक आने लगी है, अभी तो 22 तारीख है, 22-23 तारीख है, जैसे जैसे दिवाली नज़दीक आने लगी शेड्यूल होते जाएगा टाइम, अभी के लिए तो इतना ही, देखते हैं कल ब्लॉग बनेगा नहीं बनेगा, अगेन मैं यही चीज़ कल के ब्लॉग में भी यही चीज़ बोला था, आज के ब्लॉग में भी यही चीज़ बोलूँगा कि फिक्स नहीं है ब्लॉग बनेगा नहीं बनेगा, क्या बनेगा क्या नहीं, अगर बनेगा तो मैं अपलोड कर दूँगा, नहीं बनेगा तो देख लेना वो चीज़,
अभी फिलहाल के लिए इस ब्लॉग में इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। अभी तो फिलहाल तो खाली बाकी।